कुछ कहना चाहेंगे अपनी बेटी को? ये बेटी दगाबाज है ना। What's up guys, welcome back to the channel and भाई thank you for the lovely response। भाई तुमने तो कमाल कर दिया, मतलब पिछले व्लॉग में मेरी कंफ्यूजन दूर कर दी। मैंने कहा रूम से करूँ बैलकनी से करूँ, काफी लोगों ने बहुत ही अच्छी टिप्पणी दी है कि भैया बाथरूम से शुरू करो। तो भाई देखो ये सवाल का जवाब देके तुमने मेरी जिंदगी आसान कर दी। तुमने समझ आ गई कि भाई बाथरूम से अच्छा या तो मैं बैलकनी से करूँ चाहे रूम से करूँ, बेटर है बाथरूम से जाने से अच्छा। एंड साथ के साथ मैं तो हैरान, पिछले वीडियो मैंने पूछा कि भाई कौन कितने दिन रहा, कुछ लोग तो 2 साल बोल रहे। भाई देखो मुझे पता है बचपन में फेंकने की आदत होती है, इतनी तो मत फेंको कि बंदा भी कंफ्यूज हो जाए और सैड फील करे कि यार ये बेचारा 2 साल से निकला। मर्सिडीज को भी लेके काफी विवाद शुरू हो गया, काफी लोग मुझे बोले थे कि भैया आप ऐसे टाइटल मत डाला करो। यार अगर आगे क्वेश्चन मार्क डाला तो उसका यही मतलब है ना कि सोल्ड में मर्सिडीज क्वेश्चन मार्क आप लोग पूछ रहे थे, उसका बस हम जवाब देने की कोशिश करें। कभी कभी चलता है, कंटेंट पसंद आना चाहिए। तो गाइस आप लोगों ने इतनी अच्छी मोटिवेशन दे दी थी और कुकिंग सेशंस विद करण सहगल को इतने पसंद आते हैं, हमने सोचा हम आपको नई चीज दिखाएंगे। तो हम कल एक नई चिकन डिश बनाएंगे बट उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो हमने 24 घंटे पहले पूरी प्रिपरेशन कर ली है। तो इसमें पूरा कच्चा चिकन है, मैं थोड़ा पास हमने थोड़ा कैमरा घुमा दूं हमने, तो इसमें हमने चिकन मंगाया था तो हम पास से आपको दिखाने चाहेंगे बिकॉज काफी लोगों को नहीं पसंद होता। तो इसमें हमने कट्स वगैरह डाल के इसमें डाला है लाल मिर्च, हल्दी, भैया और थोड़ा सा बताना क्या है, अदरक लहसुन, मजाक कर रहा, लाल मिर्च हल्दी अदरक लहसुन, फिर साथ में हमने डाला है थोड़ा सा नींबू। तो इसमें है अदरक लहसुन की पेस्ट, साथ में है दही, साथ में है थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी। कल बनाएंगे इसको बढ़िया सा। आज तो मैं धन्य हो गया हूँ। हाँ तो भाई मैं इसलिए बोल रहा था पिछले 2-3 दिन से ना मेरा भी मन कर रहा था खाने का, मैंने कहा आज टाइम से मंगाऊंगा बट टाइम भी करते करते 3 बज गए। कल सब खुश हुआ? नहीं मैं बहुत खुश हूँ, चाहे मेरा सिर दर्द हो जाए ना खाना खाने से, पर मैंने कहा मैं वेट करूंगा। मम्मी ने बड़ी कोशिश की, जो आपके लिए लौकी बनाई वो कौन खाएगा? देखो लौकी चिकन खा के कोई लौकी खाएगा? ये बच्चे भी कमेंट करेंगे मम्मी जी, लौकी कमेंट करके बता देना अगर आपको चिकन और लौकी में ऑप्शन मिल रहा है क्या खाओगे। वेजिटेरियन वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये तेल नहीं दिख रहा, ये तेल नहीं दिख रहा, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये तेल नहीं है। बटर चिकन मेरा फेवरेट है बट कर्नल साहब को स्पाइसी पसंद है, नहीं दिख रहा बटर चिकन कहां है बटर। तो कर्नल साहब आज के हमारा क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, उसमें से कर्नल साहब डिसाइड करेंगे उनको कौन से सवाल का जवाब देना। एक सवाल थोड़ा ज्यादा जरूरी था बिकॉज एक बंदे ने कमेंट करा उसके भाई के एसएसबी जून में है। बहुत से उन्होंने मुझे सवाल भेजे हैं। पापा नहीं कुछ करते, मैं पढ़ती हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ, सेंड इट टू हिम की आंसर। तो जयंत यादव ने पूछा है सर माय यंगर ब्रदर हैज अटेंडेड एसएसबी ट्वाइस बट ही इज बीन कॉन्फ्रेंस आउट बोथ द टाइम्स, ही इज गोइंग अगेन इन जून, सो कैन यू गिव सम टिप्स रिगार्डिंग थिंग्स ही शुड डू इन जीटीओ अपार्ट फ्रॉम नॉट गिविंग अप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट शुड ही डू इन इंटरव्यू। थैंक यू सर फॉर योर वाइज वर्ड्स इन करंट व्लॉग्स, वी लव यू। जयंत वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई वुड नॉट लाइक ओनली 1 मिनट टू स्पीक। हम बात ये हो रही है कि पापा ना शुरू ऐसे हुए जैसे पूरा अभी यहाँ पे डायलॉग चलेगा, तो पापा थोड़ा जल्दी जल्दी समझाना होता है, ये गाइडेंस चैनल लिए। तो कई लोगों ने बोला है अपना व्लॉग थोड़ा सा बड़ा कर ले, अरे पर इसका मैं थोड़ी 4 मिनट आप ही को दे दो। इट इज अ टफ, आई व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट ही इज ऑलरेडी गॉन फॉर एसएसबी ट्वाइस, सो आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट हिम, एक और बार ट्राई कर लें अभी। लेकिन आई थिंक एसएसबी जो और किसी ने भी सवाल पूछा था रिगार्डिंग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, सो एक तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की ऑफिसर लाइक क्वालिटीज 15-8 देखते हैं वो, बट आप इस चीजों में मत पड़ो। जैसे मैंने पिछली बार बताया अपनी सारी चीजों को आप ट्राई करो, पोर्ट्रे योर सेल्फ, किसी को कॉपी मत करो, थर्ड बार एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं हो रहा तो देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। वैसे मैंने तो आपको 5 साल देखा है एसएसबी में, आज जीटीओ एंड सीनियर जीटीओ, रेडी आपने मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट के बाद एक बंदा क्लियर करा? 2-3 अटेम्प्ट के बाद हम करते हैं, पर एक केस हुआ था ना आपने मुझे बताया था कि आपने, हां सो उसमें हमने किया था कितने अटेम्प्ट, 15th अटेम्प्ट पे भी क्लियर किया, 15th अटेम्प्ट कॉन्फ्रेंस, इतना एग्जाम कैसे दे दिया? वो स्टार्ट हुआ था एनडीए से, हां बट ही कैरीड ऑन एंड दिस वाज हिज लास्ट शॉर्ट सर्विस, ठीक है, एंट्री था। यू शुड इंट्रोस्पेक्ट कि आप कहां गलत जा रहे हो बिकॉज साइकोलॉजिकल आपको पता नहीं चलता, स्टेज 1 आपका क्लियर हो रहा है इसलिए इसका मतलब आपकी यू हैव नो प्रॉब्लम्स इन योर कॉन्फिडेंस, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी में आपकी प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट मींस इंट्रिंसिकली आप में कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं पा रहे हो। टीम एफर्ट लगाओ, थोड़ा सा नॉलेज अब ज्यादा बढ़ाओ, लेक्चरेट्स वगैरह, पार्टिसिपेशन करो, बट लाइक जैसे मैंने बताया था पार्टिसिपेशन शुड बी अलाउइंग अदर्स आल्सो टू पार्टिसिपेट, डोंट बी इंडिविजुअलिस्टिक। आज सिंस इंटरनेशनल टी डे है, कर्नल साहब कह रहे हैं आज चाय का सेशन थोड़ा लंबा होना चाहिए, तो पापा कह रहे हैं हम एक दो सवाल जल्दी जल्दी सवाल ढूंढ के जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे। सिद्धार्थ शर्मा का क्वेश्चन है जी साहब, व्हाट टू डू टू इंक्रीज माय सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन स्पॉन्टेनियस टॉपिक्स इन द स्कूल एंड कॉलेज। लाइक मैंने आपको बताया कि यू मस्ट इंक्रीज योर नॉलेज, एवरीथिंग योर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम योर नॉलेज, देन यू शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर योरसेल्फ एंड स्पीक, आई एम द बेस्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट, नॉलेज इंपॉर्टेंट, एंड अपने आप को देखने के लिए देन यू कैन इवन टेल योर पेरेंट्स, योर मदर और योर फादर, उनके सामने उनको बोलो पापा मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया है। सुनो मेरी बात, टॉपिक को क्लियरली डिवाइड करो, इंट्रोडक्शन करो, मेन करो, उसका एक एंड रखो। एंड कॉन्फिडेंस दिखाने के भी 2 तरीके, अगर नॉलेज करके कुछ बोलोगे तो हीरो लगोगे, अगर बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो गधे लगोगे। सही बोला, अगर कोई भी चीज के बारे में कॉन्फिडेंस रख रहे हो नॉलेज कर लो पहले पूरी, नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिकली, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों को नॉलेज होती है बेचारे चुप रह जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस रखो बट नॉलेज होनी चाहिए तब कॉन्फिडेंस रख के बोलो।
तो अगर इस चैनल पे सबसे ज्यादा कोई रिक्वेस्टेड वीडियो थी इन द रीसेंट टाइम्स वो थी इन दो जूतों की अनबॉक्सिंग। तो फाइनली आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। एंड वैसे भी अगर पब्लिक डिमांड करती है भाई करेगा, थोड़ा सा लेट करेगा बट देन भाई करेगा। कटर लेके आता 50 वाला मिल गया। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम बहुत तगड़ी 4 स्नीकर्स की अनबॉक्सिंग करेंगे, बट देन प्रॉब्लम कुछ ऐसा हुआ है कि मेरा एक और स्नीकर नहीं आया। जो मेरे पास 2 स्नीकर आ गए थे तो हम उसकी अनबॉक्सिंग करके आपको जल्दी से दिखाते हैं। एंड वैसे भी आप लोगों को पता चल गया कि मेरा स्नीकर इंटरेस्ट कितना बढ़ चुका है। एंड स्नीकर इंटरेस्ट बढ़ाने के साथ साथ स्नीकर की नॉलेज भी बढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कोई भी नई चीज में आता है, क्रिप्टो स्नीकर्स या कुछ भी होता है, भाई नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पिछली बार भी बात करी थी कि जब से मैं स्नीकर्स में आया ना, करण मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। हम अपनी आपकी खुद की हेल्प नहीं करे। करण खत्री करके भाई एक यूट्यूबर है, ही इज अ वेरी बिग स्नीकर हेड, ही हैज अ क्रेजी कलेक्शन। जब से मैं स्नीकर इंडस्ट्री में आया ना, मैंने उसको ही फॉलो करना शुरू करा है। एंड रोज उससे कॉन्स्टेंट बात चल रही होती है और क्या लेटेस्ट लॉन्चेस होने वाले, क्या प्रेडिक्शन है, वो सारी चीज अपने चैनल पे भी करता है। तो सारे स्नीकर्स रिलेटेड बात करेगा, कौन से स्नीकर की कैसी वैल्यू है, कि अप जाएगी वैल्यू, डाउन जाएगी। बिकॉज देखो इन अ वे इट इज एन इन्वेस्टमेंट। टू गिव यू एन आइडिया, जितने भी स्नीकर्स लॉन्च होते हैं रिटेल से ऊपर पे ही जाते हैं अगर आप सही स्नीकर खरीदो एट द सही प्राइस फ्रॉम द सही प्लेस। Oh my God! And अभी आपको एक आइडिया देता हूँ स्नीकर वैल्यू, what do I mean by that? तो फॉर example ये जूता लॉन्च हुआ था 13995 का एंड अभी इसकी मार्केट वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली 50,000 के आसपास है, मतलब 45,000-40,000 में आपको अच्छे अच्छे डील्स मिल जाएगी। एंड ब्लू कलर में काफी सारे कलरवे आते हैं, बट मेरा फेवरेट था भाई एयर जॉर्डन 1 यूनिवर्सिटी ब्लू, एंड ये काफी ज्यादा हाइप्ड हो रखा है। मेरा साइज UK 10 है। अगर कोई रीसेलर कुछ गिफ्ट करना चाहे तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके या फिर DM करके बता सकते हैं आप कौन सा पेयर भिजवाना चाहेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पेयर दैट आई गॉट। तो ऐसे एक बार आपको थोड़ा सा दिखा एंड इसमें साथ में ब्लू लेसेस भी आए, तो मैं ब्लू लेसेस यूज करूंगा बिकॉज मुझे ब्लैक पसंद है, बट देन अगर ऐसा शेड है तो इसके साथ ब्लू ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये अब हमारे सेकंड पेयर की बात, कमेंट करके बता दो आपको क्या लगता है कौन सा एयर जॉर्डन 1 हो सकता है। ये भी काफी हाइप्ड है, इनफैक्ट इसका एक ट्रैविस स्कॉट वर्जन आया है। अब तो जो स्नीकर हेड्स है वो समझ जाएंगे कौन से एयर जॉर्डन 1 की बात कर रहा हूं। बट अगर मैं आपको आइडिया दूं, वो जूता रीसेल में आपको 1.5 लाख का मिलेगा, जो मेरे बजट से बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है। ओह माय गॉड, काफी अच्छा प्राइस मिला मुझे। एंड इसकी सारी डिटेल्स मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। मम्मी आप देख रहे हैं हमने क्या पैसा भर, मम्मी पीछे से मुझे ऐसे लुक दे रही है जैसे पता नहीं अभी खा जाएंगे। तो ये जो अगला पेयर है ये है हमारा एयर जॉर्डन 1 मोकास, एंड भाई आई लव दिस शू अ लॉट, बहुत ज्यादा सही है। तो इसका मैं जो ट्रैविस स्कॉट वर्जन की बात कर रहा था उसमें जो नाइकी का सूज है वो उल्टा है एंड उसकी वैल्यू 3 गुना हो चुकी है। तो इसका मार्केट रीसेल इज अराउंड 50,000। इसके साथ भी व्हाइट लेसेस है, मैं भी व्हाइट लेसेस यूज करूंगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको दोनों में से कौन सा पेयर ज्यादा पसंद है। एंड साथ के साथ करण खत्री का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। भाई वो व्लॉग्स भी डालते हैं, बट मोस्ट ऑफ थिंग्स अराउंड स्नीकर्स, सो यू गाइस शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। अभी एक काम करते हैं, करण साहब का रिएक्शन देते हैं, बिकॉज एक पेयर करण साहब को शायद देना पड़ जाए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत जूते हो चुके हैं, तो डांट खाने से अच्छा है कि उनको बोले कि जी आप एक चूज कर लो, आपके लिए हम नए जूते लाए हैं। करण ये पुराने मजाक हो गए यार, तुम हर बार दिखाते मेरे को, रखते अपने कमरे में। अच्छा इसको अरे सुपर्ब यार, वेरी नाइस कलर, नए जूते हैं, वंडरफुल, पसंद है, ब्यूटीफुल कलर। अच्छा गेस कर इसकी प्राइस क्या होगी। वैसे तो मुझे नहीं पता चलता, बट नोइंग यू 10,000 मम्मा बताओ, मैं बताओ, अच्छा गेस करो, हाय यार मेरे जूते देखे तुमने, 50,000 नहीं नहीं, आप अपने दिल पे हाथ रख लो, मेरे तो दिल डूब गया। 1,00,000 रुपए के 2 जूते तो मेरे पास और। मारो 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 उसे। मतलब मुझे डील अच्छी मिली है, बट ऑनलाइन रीसेल इसकी इतनी, तो अपनी बात करो ना, मुझे पता है तुम्हारा, तुमने कितने खर्च कर सकते हो। मैंने सोच समझ के अच्छे रीसेलर से लिया, मुझे पता है तो कितने के हैं। अरे 1,00,000 रुपए के। आपको अगर कोई जूता पसंद आता आपको रखना, तो मुझे आप रख सकते हो एक जूता। हमें ये पसंद भाई, नहीं, नहीं, मैंने तो बड़ा अच्छा किया भाई। हाँ। मैंने अपने जूते लेने बंद कर दिए। अब मैं यहाँ से कपड़े पहनता हूँ, तेरे कमरे में जाता हूँ। तूने मेरे को लास्ट शूज कब दिए थे, बर्थडे पे? तूने मम्मी को कब दिए थे? उसके बाद मम्मी जाके 3 जूते मेरे से ला चुकी है, मेरे साथ लाई मम्मा अपने आप। वही ना मम्मी, आपका 5 जुलाई तो तुम्हारे कारण हम खा रहे हैं। आपका 5 जुलाई का बर्थडे आ रहा है, आपका 5 जुलाई को बर्थडे आ रहा है भाई, अच्छा गिफ्ट दे पक्का देख भाई भाई मेरी भाई गिफ्ट देगा और क्रेडिट कार्ड आपका यूज करेगा। तो मेरे रूम में ना एक वेट मशीन पड़ी है, मम्मी दिन में 4 बार आती है, वेट जो कम होता है ना एक ही दिन में कम नहीं होता। मशीन में भी कुछ नहीं आ रहा मम्मी, वेट इज नॉट एक दिन का काम, या तो हफ्ते हफ्ते में नापो या 3-4 दिन में नापो, रोज में। मेरे को सिखाएगा, माँ को सिखाएगा, चल चल हवा बोलता, आगे डायलॉग भी मार दे, यही दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा करे, तो अपनी माँ को सवाल करे, सवाल नहीं सिखा रहा है, पैदा हुआ नहीं मेरे को सिखा रहा है, चल हवा नहीं दे, ओवर एक्टिंग।
तो जब मैं दुबई से वापस आया था ना, तो काफी लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था कि भैया आपकी स्किन ऐसे खराब क्यों हो गई है। तो भाई मैं अपना एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो कर पाया था, बिकॉज दुबई में 10 दिन में भागम दौड़ी में आप नहीं कर पाते। बट पिछले 2 हफ्ते से मैं अपना प्रॉपर स्किन का ध्यान रख रहा हूँ, उसमें से एक चीज जो मैं रेगुलरली यूज करो सुबह शाम वो है वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी डेली फेस जेल विद एलोवेरा एंड विटामिन सी स्लीपिंग नाइट जेल विद एलोवेरा। एंड मैं बता रहा हूँ, जब से मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ ना, मेरी स्किन वापस एक नॉर्मल पुरानी जैसी थी वैसी अच्छी हो चुकी है, ब्राइटन हो चुकी है। एंड आप लोग आई थिंक नोटिस भी कर पा रहे हो कि जो मेरी स्किन है पूरी क्लैरिफाई हो चुकी है, जो सारे स्पॉट्स थे वो इवन आउट हो चुके हैं। इनफैक्ट जो मेरा स्किन है वो भी पूरी रिजुविनेट हो गई है, बिकॉज के जेल में विटामिन सी और ककड़ू प्लम का एक्सट्रैक्ट है, विच डज वंडर्स टू योर स्किन। एंड भाई लिटरली बता रहा हूँ, जो पूरा स्किन टोन है पूरा करेक्ट हो चुका है। एंड साथ ही इसमें जो हाइलुरोनिक एसिड एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है वो आपकी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज करता है एंड करेक्ट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एंड इसको यूज करने का प्रोसीजर भी काफी ज्यादा सिंपल है। तो अभी मैं प्रॉपर एक फेस वॉश करके आया हूँ, तो थोड़ा सा अपना हाथ में आप ये जेल ले लो एंड ऐसे डैब कर करके अपने फेस पे लगाना, नेक एरिया में भी लगा सकते हो। तो ये मेरी नाइट टाइम रूटीन है जो मैं फॉलो करता हूँ। एंड भाई इसका जो सेंट है ना काफी ज्यादा सही है। एंड सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगता है कि ये बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है, तो अप्रॉक्सिमेटली इसको 1 मिनट तक डैब करना होता है एंड इसके बाद आराम से आप घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। भाई तो आज लूडो खेलेगा, बिकॉज हर रात को हमारी लूडो गेम चल रही है। एंड मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि दोनों चीजें यूज करो, सुबह डेली फेस जेल यूज करो, शाम को नाइट जेल यूज करो, एंड जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे काफी ज्यादा सही मिलेंगे। एंड साथ के साथ अपनी केएस आर्मी को 20% ऑफ भी मिलेगा इफ यू यूज द कूपन कोड करण सहगल ऑन द बाय वाओ वेबसाइट। एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, नाइका, अमेज़न। एंड भाई एक चीज है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आप वाओ ऐप इसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हो, तो कोई डुप्लीकेशन की टेंशन नहीं एंड यू विल गेट ग्रेट डील्स ऑन द ऐप एज वेल। सो प्लीज चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड भाई एक और चीज है, जैसे हम लोग बोलते ना कि बॉडी टायर्ड होती है, स्किन भी टायर्ड होती है, तो स्किन के लिए भी हमें एनर्जाइजिंग प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। एंड इजिली डिफरेंस पता चल जाएगा प्रोडक्ट्स ना यूज करने का, प्रोडक्ट्स यूज करने का, बिकॉज यू विल योरसेल्फ फील वेरी नाइस अगर आप अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखोगे। ओजी केएस आर्मी को पता ही है कि जूते, कपड़े, स्किन और बाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड गाड़ी एंड बाइक। बहुत बड़ी लिस्ट है, आई थिंक आप लोगों को पता ही है मुझे क्या क्या पसंद है क्या क्या नहीं पसंद। ये होता है माँ का प्यार। पापा की ना 3 गोटियां आ गई थी, पापा ने एक मेरा काटा एंड उसके बाद मम्मी ने पापा के 2 और काट दिए। मम्मी बहुत बढ़िया। तो इसलिए कहते हैं माँ को ना अपनी साइड रखना चाहिए, इनका क्या है, ये तो दोस्ती ठीक है। चलो काटे में बारी तो चलो काटूंगी भी और बारी भी लूंगी। हाँ वेरी गुड। 6 लो, ये बोलो। अभी तो गेम शुरू हुई है डार्लिंग, गेम शुरू हुई, सबकी बाहर आ गई गोटियां, मैं बच रहा हूँ बस। तो प्रिया का 1 नंबर आया, पापा का 4 वापस आ गए, सबसे पहले निकलते हैं 4। सबसे पहले मम्मी का 3 कट रहा था, मेरे काटा ही नहीं है, सारे भगाई जा रही। तो मम्मी के सामने पापा आए थे, मम्मी ने मिस कर दिया और पापा बच गए, क्योंकि मम्मी को अपनी 3 बारी आगे निकलना। तू काटा तेरी बारी है। और ये अपने फादर का बदला लेते हुए प्रिया ने मम्मी की गोटी काट दी। कुछ कहना चाहेंगे अपनी बेटी को? ये बेटी दगाबाज है ना। फिर से 6 आ गए इसका, पहले इसका 6 आया नहीं, हमारी 3-4 गोटियां बाहर निकल आई, अब जाके 6। गाइस ये क्या करा, ये क्या करा आपने? मेरी 15 चांसेस पे 6 नहीं आया था, मेरी 15 चांसेस पे 6 नहीं आया था, मैंने कुछ नहीं बोला, पेशेंट से पहुंचे थे, टाइम देखा। तो ये क्या करा आपने? 6 बजे मैंने खेला इसके साथ, यार ये चीटर के साथ मैंने खेला, ठीक है। नहीं आपने करा क्या गेम? मेरे को नींद आ रही, भाग दो यहाँ से, सबकी काट गई, तब भी जिन जिन लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा ना, 44 वाला मैंने सांप का था, 4 बार काट चुका, मम्मी को भी 2 बार काट चुका है, 41 पे थे, 3 आया, 43 पे आ गया। अगली बारी आपकी आई मम्मी, और ये 3री बार आपको सांप काट जाएगा इस गेम।